प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में खुशी और शांति चाहता है। खुशी और शांति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। हम सुबह उठते हैं और नित्य क्रिया से निबटकर हम अपने जो भी हमारा काम है, हम अपने काम पर जाते हैं, सारे दिन वहाँ काम करते हैं और उसके बाद में शाम को घर आते हैं। अगर इसको आम तौर पर देखा जाए तो एक रूटीन है, ये हमारा डेली रूटीन है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे नज़रिए से देखें तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें नज़र आएगा तो वो आएगा हमारी खुशी और हमारी शांति। हर प्राणी, चाहे वो किसी भी रूप में है, खुशी चाहता है और शांति चाहता है। हर प्राणी की खुशी और हर प्राणी की शांति उसके लिए अलग मायने रखती है। किसी की खुशी या किसी की शांति दूसरे को खुशी या शांति देगी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक भिखारी के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक 50 या 100 रुपये इकट्ठे कर पाता है, एक एक रुपया मांगकर, उसके लिए अचानक किसी दिन 150 रुपये या 200 रुपये का आ जाना एक खुशी और शांति देगा। किसी विद्यार्थी को उसकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स की सफलता उसे खुशी या शांति देगी। एक किसान को उसकी फसलों का अच्छा भाव, जो उसने पूरी साल मेहनत करके पैदा की हैं, उसको खुशी शांति देगी। एक आतंकवादी को अधिक से अधिक समाज को नुकसान पहुंचाना और अधिक से अधिक नरसंघर्ष खुशी और शांति देगा। एक डॉक्टर को अधिक से अधिक उसके ऑपरेशंस में सफलता और मरीजों का अच्छा होना उसे खुशी या शांति देगा। और एक वकील को एक अदालत में उसके केस का जीत जाना या उसके जो क्लाइंट है उसका, उसको आरोप मुक्त या दोष मुक्त करवाना उसे खुशी या शांति देगा। तो खुशी और शांति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। एक की खुशी दूसरे की खुशी या शांति से कोई सरोकार नहीं रखती है। अब हमें यह फैसला करना है कि हमारी खुशी और हमारी शांति है किसमें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुशी और शांति के मायने ही पूरी तरह से बदल गए हैं। आज के समय में अधिक से अधिक धन उपार्जन, पैसा कमाना, अधिक से अधिक नाम, अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना, अधिक से अधिक अपनी सत्ता को किसी ना किसी रूप में मनवाना, ये खुशी और शांति के मायने रह गए हैं। जबकि हकीकत इससे बहुत दूर है। देखिए, जब कोई शक्ति आती है या ताकत आती है तो वो अपने साथ में कुछ कंसीक्वेंसेस भी लेके आती है, दुष्परिणाम भी लेके आती है, अवगुण भी लेके आती है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए
हम यह बात कर रहे हैं पीस और हैप्पीनेस की, खुशी या शांति की। तो सही मायने में हमारी खुशी और शांति है किसमें, यह तलाश करने की जरूरत है। इसके लिए जो सीधा सा सरल उपाय है वो अपने जीवन के महत्व को समझना है। अगर हम अपने जीवन के वास्तविक महत्व को समझ लें तो हम अपनी खुशी और अपनी शांति भी आसानी से तलाश कर लेंगे, मगर हम ये कभी कोशिश करते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में बंधे रहते हैं और जो वास्तव में या हकीकत में जो चीजें हमें दुख देती हैं, सही मायने में दुख देती हैं, उन्हीं की तरफ हम हमेशा आकर्षित रहते हैं। पिछले 2 साल से जो मैंने महसूस किया है उसी चीज को मैं आगे रख रहा हूं कि अगर आप अपने 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी सही मायने में अपने आप को आकलन करने में दें और आप सेल्फ हिप्नोसिस को अपनाएं, जिसकी विधि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो मेरा पूरा दावा है कि आप अपने इस जीवन के महत्व को समझ लेंगे। इस दुनिया में आप रहेंगे जरूर, भौतिक संसार में भौतिक चीजों के बीच में आप रहेंगे जरूर और उनको आप एंजॉय भी करेंगे, लेकिन एंजॉय करने में और उसका नशा करने में बड़ा फर्क है। एक एडिक्शन है, एक यूज है। एडिक्शन में और यूज में बड़ा फर्क होता है। एडिक्शन जो है वो हमें अपराध की ओर ले जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है, और जो यूज है वो एक पॉजिटिव थॉट है और उसकी उपयोगिता के बारे में बताता है। हर वस्तु इस भौतिक संसार में मूल्यवान है, अर्थवान है, निरर्थक नहीं है, कीमती है, बेशकीमती है, मगर समय और परिस्थिति के अनुसार, टाइम एंड स्पेस में वो चीज महत्वहीन है और महत्वपूर्ण है। मैं दोनों चीजें कह रहा हूं कि टाइम एंड स्पेस में वो महत्वपूर्ण भी है और महत्वहीन भी है। जिस तरह से एक सांप का जहर व्यक्ति को मार सकता है, तो ये नेगेटिव थॉट है कि जान ले सकता है, मगर वही सांप का जहर किसी कैंसर के पीड़ित व्यक्ति को जान दे भी सकता है, तो ये पॉजिटिव थॉट है। तो जैसा मैंने कहा कि टाइम एंड स्पेस, समय और स्थिति के अनुसार परिभाषाएं चेंज होती रहती हैं। कभी कभी वो समय की मांग होती है और कभी कभी हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको बदल देते हैं। तो अब देखना हमें खुद है या डिसाइड हमें खुद करना है कि उसको हमने अपने स्वार्थ के लिए बदला है या अपनी सुख या शांति के लिए बदला है या किसी दूसरे को सुख या शांति देने के लिए उस परिभाषा को बदला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सुख और शांति, हैप्पीनेस और पीस हमें तलाश करनी है और वो कैसे मिलेगी इसका पहले हमें आकलन करने की जरूरत है और वो आपको मिलेगी
पहले आप सेल्फ हिप्नोसिस को सीखिए, उस प्रक्रिया को आप अपने जीवन में अपनाइए, उतारिए, उसके बाद आपको स्वतः ही इसकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ जाएगी, अपने जीवन की इम्पोर्टेंस मालूम पड़ जाएगी। और मेरा पूरा दावा है कि उस समय आप अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि नहीं देंगे। हो सकता है आप दूसरे के स्वार्थ के लिए अपनी बलि दे दें, अपना त्याग कर दें, किसी भी वस्तु का त्याग कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी से त्याग मांगेंगे नहीं। आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, द फीलिंग ऑफ गिविंग, फीलिंग ऑफ टेकिंग नहीं। दो एंड होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। वन इज कॉल्ड रिसीविंग एंड एंड अनदर इज कॉल्ड द टेकिंग एंड, टेकिंग एंड और गिविंग एंड, सॉरी, वन इज इट द रिसीविंग और टेकिंग एंड एंड अनदर इज द गिविंग एंड। जो देने वाला है, द पर्सन हु इज गिविंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पर्सन हु इज टेकिंग, बिकॉज गिविंग और गिवर इज ए किंग, राजा होता है, एंड द पर्सन हु इज टेकिंग, हु इज रिसीविंग इज अ बैगर। सो यू मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए किंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग रादर देन द टेकिंग। आप राजा बनना चाहते हैं या भिखारी बनना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको भिखारी कह दे तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाएगा, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम सारी जिंदगी भिखारी ही बनना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते ही नहीं हैं। और देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए कि हम क्या बनना चाहते हैं और हम क्या बन जाते हैं, इसका दोष हम किसी और को देते हैं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज अ मास्टर ऑफ आर लाइफ, दैट इज अ मास्टर ऑफ आर क्रिएशंस, दैट इज अ मास्टर ऑफ आर डेस्टिनेशन और गोल्स। सबकॉन्शियस माइंड इज अ ग्रेटर वन, दैट इज द एवरीथिंग। और उसमें जो हमारी भावना चलती रहती है, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हमारी नियति होती है, हमें परिणाम मिलते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग चल रही है, वो चल रही है ज्यादा से ज्यादा लेने की, इट मीन्स टू बिकम द बैगर। तो जब हमारे माइंड में लेने की फीलिंग ज्यादा चल रही है, तो हम राजा कैसे बन सकते हैं, हमें तो भिखारी बनकर के रहना है। हमारी खुशी का आधार ही भिखारी बनना है। हम भिखारी कहलवाना पसंद नहीं करते, मगर हम भिखारी बनकर के रहना जरूर पसंद करते हैं। तो ये फर्क है सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग में और कॉन्शियस माइंड फीलिंग में। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग इज ऑलवेज ग्रेटर। आई हैव रेड समवेयर, आई हैव सीन समवेयर दैट योर सबकॉन्शियस फीलिंग इज द एक्टिव पार्ट ऑफ योर रियलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कॉन्शियस सबकॉन्शियस फीलिंग, जो भी आपके माइंड में विचार चल रहा होता है, दैट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द डेस्टिनेशन और ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रियलिटी व्हाट यू वांट टू अचीव। तो हमेशा अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली उसी थॉट को पालें जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आप बनना कुछ चाहते हैं, लेकिन थॉट आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आपको रूट को पकड़ना है, आपको पेड़ की जड़ को पकड़ना है, ब्रांचेस और फूल और फल तो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पेड़ में अच्छे फल लगें, तो आपको उस फलों को चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उन फलों में इंजेक्शन से मिठास देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, आपको पेड़ की जड़ के अंदर खाद और पानी और उसको उसकी देखभाल ये करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से आप जड़ को खाद पानी दे रहे होते हैं या उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं,
उसकी सफाई करते हैं, लेकिन उसका फल कहाँ मिलता है? आपको जाकर के पत्तियों पर मिलेगा या फ्रूट्स पर मिलेगा, वहाँ उसका असर नजर आपको नजर आता है। उसी तरीके से जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ चल रहा होता है वो आपकी लाइफ में डेस्टिनेशन बनकर के आता है, परिणाम बनकर के आता है। तो अगर आपने अच्छा परिणाम चाहिए तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियसली वही परिणाम दिमाग में रखना है जो आप वास्तव में चाहते हैं, और इसी से आपको वास्तविक हैप्पीनेस और पीस मिलेगी। थैंक यू।